पीक से यहाँ पे डिजाइन्स बनाएंगे इस तरह से। सिंपल सिंपल डिजाइन्स बनानी है हमें। यहाँ पे हम गणेश जी की आईज ड्रॉ करेंगे। ये मिट्टी की मूर्ति बनाने के बाद 4 to 5 आवर्स के बाद ये मैं स्टिक से कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम फिंगर्स तरह से करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम गणपति जी को कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए ये एक्रेलिक कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ। ये इजीली आपको स्टेशनरी शॉप या तो फिर क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएंगे। एक्रेलिक कलर्स अलग अलग कंपनी के आते हैं, तो आपको जो भी कलर्स अच्छे लगे वो आप परचेज कर सकते हो। पेंट ब्रश, सम बटर, एक्रेलिक कलर कोन, ये हम मेहंदी का कोन जैसे बनाते हैं उसी तरह से हम ये कलर का कोन बनाया है मैंने। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है कि ये कोन मैंने कैसे बनाया है एक्रेलिक कलर से, एक्रेलिक कलर ही इसके अंदर फील किया है, तो वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरी चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट बाय नीति में, या तो फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये वीडियो अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, उसमें मैंने लिंक प्रोवाइड की है कि ये स्टेप बाय स्टेप कौन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं डेकोरेशन पर्पस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं।
वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी। और मेरी चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट बाय नीति को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कल ज़रूर विजिट करना। कल शाम तक डेफिनेटली इसका मैं वीडियो पार्ट 2 अपलोड करूँगी। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया है। पार्ट 1 में गणपति जी मैंने कैसे बनाए बेसिक उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और ये गणपति जी है वो फार्म की मिट्टी, खेत की मिट्टी से बनाए हैं। खेत की मिट्टी मैंने अपने घर के फ्लावर पॉट में रखी थी, तो वही फ्लावर पॉट में से मैंने मिट्टी निकाली और उसको क्लीन करके मैंने गणपति जी की मूर्ति बनाई। तो विसर्जन भी मैं ऐसे ही करूँगी फ्लावर पॉट में। तो इको फ्रेंडली गणपति जी कैसे बनाते हैं, आप अपने ही घर की मिट्टी में से कैसे गणपति जी बना सकते हो, या तो फिर अपने आसपास जो नर्सरी होती है, फार्म होते हैं, उसमें से मिट्टी लाकर कैसे क्लीन करके आप गणपति जी बना सकते हो, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियो ऑलरेडी पार्ट 1 में अपलोड की है। और पार्ट 2 कल मैं अपलोड करूँगी, जिसमें कलर कैसे करते हैं और ये सारे डेकोरेशन मैंने कैसे किया वो सब आप देख सकोगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। ये मैंने 24 आवर्स के बाद कलर एंड अदर डेकोरेशंस मैंने स्टार्ट किए।